आईपीएल 2020 का 28वां मुकाबला शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया। बैंगलोर के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निश्चय किया। बैंगलोर को ओपनर बल्लेबाजों ओरन फिंच और देवदत्त पडिक्कल ने बेहद शानदार और ठोस शुरुआत दी। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 67 रनों की साझेदारी की। देवदत्त पडिक्कल ने 23 गेंदों में 32 तो ओरन फिंच ने 34 गेंदों में 47 रन बनाए। लेकिन मैच में असली रोमांच तब शुरू हुआ जब बल्लेबाजी के लिए 360 के नाम से मशहूर एबी डिविलियर्स मैदान पर पहुंचे। कल जैसे डिविलियर्स का ही दिन था, उन्होंने आते ही कोलकाता के गेंदबाजों को कूटना शुरू कर दिया। मैदान के हर ओर छक्के और चौके ही दिख रहे थे। डिविलियर्स ने मात्र 33 गेंदों पर 73 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें उन्होंने 5 चौके और 6 छक्के लगाए। कप्तान कोहली ने भी 28 गेंदों पर 33 रन बनाए। बैंगलोर ने 20 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाए। 195 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने बेहद निराशाजनक बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। कोलकाता की टीम बैंगलोर के गेंदबाजों की बेहद कसी हुई धारदार गेंदबाजी के सामने 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर मात्र 112 रन ही बना सकी। बैंगलोर ने कोलकाता को 82 रनों से हरा दिया। एबी डिविलियर्स को उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। आईपीएल में आज का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। आईपीएल से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहें नेशन लाइव आईपीटीवी के साथ।